चलो अब ये देखो, ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करो. 100 ग्राम आइस पास थ्रू द 20 ग्राम ऑफ वाटर. आइस वाटर प्रॉब्लम ए लॉट ऑफ स्टूडेंट इसमें बहुत सारा जो है वो फेस करते हैं. ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं आइस वाटर में. तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ. ठीक है, वो आप यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको आइस वाटर का, वहाँ से आप देख लेना. वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. अभी ये थोड़ा ईजी वाला है. तो स्टीम है, 100 ग्राम स्टीम है पास इंटू 20 ग्राम ऑफ वाटर. चलो यहाँ वाटर रखा हुआ है. अगर मैं इसमें स्टीम पास करूँगा तो क्या होगा यार, स्टीम का कंडेंस होके स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा. वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर का मास बढ़ेगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टीम है वो अपना स्टेट चेंज करेगा और जो स्टीम से वाटर बना वो भी 80 डिग्री सेल्सियस पर आ गया. 100 स्पीड था, पास इंटू 20 ग्राम ऑफ वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस. वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे था शुरू शुरू में, कुछ टाइम बाद वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टीम कंडेंस होके जो वाटर बना, स्टीम अपनी हीट एनर्जी लूज किया और वो हीट एनर्जी जो वाटर बना उसका भी टेम्परेचर बढ़ गया. ठीक है, तो मास ऑफ द वाटर अब कितना होगा. ठीक है, ऑब्वियसली मास बढ़ गया होगा पहले से. पहले मास कितना था, 22 ग्राम था, तो कुछ मास बढ़ा होगा. तो पहले इस हीट लॉस बाई स्टीम, हीट लॉस बाई स्टीम. स्टीम कितना हीट लॉस किया, क्यू, दैट इज स्टीम. पहले तो स्टीम से वाटर बनेगा और वाटर का टेम्परेचर 10 नहीं है, अब 80 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टीम जो है, स्टीम अपना स्टेट चेंज किया. स्टेट चेंज करने के बाद वाटर बना और वाटर भी 80 डिग्री सेल्सियस पे आ गया. तो एक तो ml स्टेट चेंज करने में और साथ साथ जो वाटर बना उसका mc डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ाने में दो है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ml कुछ हीट स्टीम अपना स्टेट चेंज करने में कितनी एनर्जी लगा दिया और साथ साथ हीट ठीक है वाटर टेंडिंग हीट और जो वाटर बना उसका टेम्परेचर, मास ऑफ द वाटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, दैट इज डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज. दिस इज द स्टीम, द हीट लॉस बाय द स्टीम. ठीक है, समझना. तो अब अगर स्टीम है, कितना है, कितना ग्राम स्टीम है हमें नहीं पता, कितना ग्राम स्टीम, वी डोंट नो अबाउट कि कितना ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ. तो लेट m ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गया. तो ये जो m ग्राम वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, वो m मान लिया मैं. लेटेंट हीट कितना है, देखो लेटेंट हीट 540 है. तो जो हीट लॉस हुआ q1 इज इक्वल टू 540 m प्लस मास m मास बना, वाटर बन गया है और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 ले लो, 1 कैलोरी. और चेंज इन टेम्परेचर, ये जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ है मेरे भाई उसका है. ठीक है, तो कितना ग्राम स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ, पहले स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे था, अब जो वाटर बना वो 80 डिग्री सेल्सियस पे आ गया. तो यह आ जाएगा 100 माइनस 80 मतलब 20 m, मतलब 560 m. इतना जूल हीट एनर्जी, ठीक है, लॉस बाय द स्टीम. अब ये जो एनर्जी है वो गेन बाय द वाटर. ठीक है, वाटर जो है, ठीक है, वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ाया है 10 से 80 डिग्री सेल्सियस, 10 से 80 डिग्री सेल्सियस कर लिया है. ठीक है, तो वाटर अगर 10 से 80 डिग्री सेल्सियस कर लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है उसको Q2 इज इक्वल टू m स्पेसिफिक हीट वाटर टेम्परेचर चेंज. इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ वाटर 20 ग्राम था, स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 और डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज. वाटर पहले 10 डिग्री सेल्सियस था और 10 डिग्री सेल्सियस से 20 ग्राम जो है 80 डिग्री सेल्सियस आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 माइनस 20 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस ना, तो ये 70. ठीक है, तो 7 × 1400. ठीक है, तो 1400 जूल, 1400 कैलोरी में हो रहा ना. तो इतनी हीट एनर्जी जो है हम लोगों को
वाटर को चाहिए 0 से 10 से 80 आने में। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरी मेट्री। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो Q1 इज इक्वल टू 1 5, ठीक है 560। तो 560, तो ये इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये कितना था, ये कितना था 560 m, दैट इज इक्वल टू 140, ठीक है। इसका मतलब एक जीरो ने एक जीरो को, तो m इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 56, इसको काट लो तो 2.5 ग्राम, ठीक है ना, इसको काट लेना 2.5 ग्राम। तो 2.5 ग्राम जो है वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो गया होगा, 2.5 ग्राम स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो पहले कितना था, 20 था, तो 20 में 2.5 ग्राम जोड़ोगे तो 22.2, दैट इज डी ऑप्शन सही है। फाइनल मास जो है, फाइनल मास जो है वो 20 ग्राम प्लस 2.25, मतलब 22.5 ग्राम, दिस इज द फाइनल मास। नेक्स्ट।